हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किसको फैशन। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही ज़रूरी यानी ब्लाउज से रिलेटिव चीज़ के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही मतलब ख़ास होगा ये, और आप ज़रूर देखेंगे इस वीडियो को पूरी। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है जो हमारी ब्लाउज की जो सीधी सिलाई, काफ़ी जो हमारी जो प्रॉब्लम होती है। ब्लाउज हम बना तो लेते हैं लेकिन इसमें ये बहुत मतलब जो बिगनर होते हैं, जो नए सिलते हैं, उनके लिए काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। ये चीज़ हमेशा होता है सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है तो आप किस तरह से यानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ। तो ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम जो हमारी जो ब्लाउज में बाजू से जो हमारी चेस्ट होती है और कमर होती है, उसकी सीधी सिलाई नहीं आती है। यानी फिटिंग की जो सिलाई है वो हमारी टेढ़ी मेढ़ी आती है। तो वो किस वजह से होती है और किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सुधार सकते हो, ताकि आपकी जो सिलाई है कमर से लेकर जो हमारी बाजू तक की सिलाई जो है वो सीधी आए, तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको कि इससे पहले आपको क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ वो सब आप ध्यान से सुनिए, और इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जो ब्लाउज से जो यानी बाजू तक की जो बाजू से जो हमारी कमर तक की जो सीधी सिलाई आपकी नहीं आती है वो ज़रूर आएगी। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी आप जो ब्लाउज का जो हमारे कपड़े होते हैं, ये है मेरी ब्लाउज, यानी जो मैं इससे मैं अपनी स्लीव्स कटिंग करने वाली हूँ, स्लीव्स की कटिंग करने वाली हूँ इसमें, तो ये मैंने नहीं कटिंग किया हुआ है, मैंने इसको रखा था ताकि मैं आपको बता सकूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बिगनर होते हैं, अगर आपकी जो सीधी सिलाई नहीं आती है, फिटिंग की जो सीधी सिलाई नहीं आती है, तो वो लोग क्या करें, ये अगर आप मतलब बाजू की जो सबसे पहले में कटिंग मत कीजिएगा, आप पेपर में कटिंग कीजिए बाजू की, और उसको जब भी आप जैसे हम अलग अलग पार्ट्स कटिंग करते हैं, जैसे बैक साइड रखते हैं हमारी फैब्रिक में, उसके बाद हम लोग का ये सामने का भाग जो कटोरी का होता है, फिर ये योग वाली यानी ये जो तीरा इसको बोलते हैं ये वाली, फिर ये जो हमारी योग की पट्टी जो होती है इसको हम लोग पेपर में रख लेते हैं, सॉरी फैब्रिक में रख लेते हैं, पेपर कटिंग करने के बाद फैब्रिक में रख लेते हैं। तो उसी तरह से आप बाजू की भी कटिंग, तो हम सारे पार्ट्स जो है हमारे जो ब्लाउज बनाने में जितने भी पार्ट्स लगते हैं उसकी हम पेपर कटिंग सबसे पहले कर लेते हैं। जैसे मैं आपको सारी वीडियो में बताती हूँ कि आपको पेपर कटिंग करना चाहिए, तो आपने सारी जो पार्ट्स है वो आपने कटिंग कर लिए, और आपने जो आपने बाजू की भी कटिंग कर ली है पेपर में, तो आपको बस ये करना है कि आपका जो पेपर है उसको आपको फैब्रिक में रखना है, लेकिन उसको जो मतलब उसको आपको सिर्फ सीधा कटिंग कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये है, मैं ये है जो मेरी फैब्रिक है, ये मैंने बचा के रखा हुआ था, मैंने जो मेरा जो पेपर है वो मैंने कटिंग किया, उसके बाद मैंने इसको रखा, और उसके बाद मैंने ये बचा के रखा हुआ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मैंने सीधी सिलाई की, यानी जो मेरी शेप है जो हमारी शेप होती है बाजू की, उसकी मैंने कटिंग नहीं की है, बस मैंने ये फैब्रिक इसको साइड कर दिया है बाजू के लिए कि मुझे इतनी फैब्रिक चाहिए, और मैंने इसको अलग से रख दिया है। अब यहाँ पे जो मैंने ब्लाउज रेडी करके रखा हुआ है, अब मैं इसकी यानी जो मेरी जो स्लीव्स है मैं इसकी कटिंग अभी करूँगी, ताकि जो मेरी जो फिटिंग के टाइम जो सिलाई हो बाजू से जो मेरी कमर तक की फिटिंग की सिलाई है वो सीधी आए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से जो बाजू की कटिंग करते हो, अगर आप बाद में करते हो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, अगर आप नए हो तो सिलाई में, अगर आप पुराने हो तो आप पहले भी कटिंग कर लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी जो एडजस्टमेंट कर सकते हो आपकी मतलब सिलाई जो हैगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए, तो हम लोग बाजू की कटिंग जो फैब्रिक है ये हम अलग में साइड में रख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरह से कभी भी अगर आपने ब्लाउज की जो यानी आपकी ब्लाउज रेडी हो गई है और आपको किस तरह से नापना है यानी स्लीव की कटिंग के लिए, वो देखते हैं। यहाँ जो मैंने शोल्डर भी ज्वाइंट कर लिया है, सबसे पहली बात तो है आप शोल्डर ज्वाइंट करके ही नापिएगा, ठीक है। तो ये शोल्डर हमारी ज्वाइंट हो चुकी है, मैं इसको अंडर पैकिंग करने वाली हूँ, इसलिए ये बाहर की तरफ दिख रही है मेरी सिलाई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर बस समझा दे रही हूँ, मैं वो बाद में कर लूँगी। तो यहाँ से देखिए, ये हम लोग का बैक पार्ट और ये हमारा फ्रंट पार्ट, ठीक है। तो जो आपकी जॉइंट जो कभी कभी प्रॉब्लम होती है ना, ये भी कि हमारी जो जॉइंट है दोनों बाजू की जॉइंट जो है इस तरह से नहीं मिलती है, तो वो क्यों नहीं मिलती है यहाँ पे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि ये जो यहाँ से ये पार्ट देखिए,
कितना है, ये हमारा बैक साइड का है 7.5 इंच है, ठीक है। तो अब हम फ्रंट का देख लेते हैं ये कितनी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ 7.5 है, ठीक है, 7.5 से हल्का सा ज़्यादा है। तो हम लोग जो ये हल्का सा ज़्यादा जो है ना, इसको 7.5 में मतलब 7.5 कर लेते हैं, यानी इसको हमें कटिंग करना पड़ेगा। तो हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से आप नापिए, स्लीव ज्वाइंट करने से पहले आपको ये करना है, ताकि आपकी जो आपकी दोनों यानी जो आपकी जहाँ आप बाजू की जो स्टिचिंग करते हो, वो जो हमारी कभी कभी ज्वाइंट जो है वो आगे पीछे हो जाती है। तो इससे क्या होगी, आपकी जो वो आगे पीछे होने वाली नहीं है, वो बिल्कुल सही आएगी। तो अभी देख लीजिए ये बराबर से है ना दोनों, देखिए फ्रेंड्स अब ये बराबर से आने वाली है हमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें। 7.5 थी बैक साइड की, तो फ्रंट साइड का भी 7.5, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये बराबर आ गई है। मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ, देखिए ये 7.5 है, यानी ये बिल्कुल सही है। जो हमारी जो यहाँ पे जॉइंट जो है वो, तो जो हमारी जॉइंट जो है वो बिल्कुल, जो हमारी यहाँ पे जॉइंट होती है वो बिल्कुल बराबर में आने वाली है, आगे पीछे नहीं होगी। और जो हमारी जो सिलाई है यहाँ से, ये भी बाहर नहीं होगी, ये बिल्कुल सही आएगा। और उसी तरह से इस साइड भी हमें नापना होगा, दोनों साइड से हमें नापना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए उस साइड का 7.5 का, तो इस साइड का भी आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 7.5 आ रहा है, आप देख सकते हो। अब यहाँ का भी उतना होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें खोलना पड़ेगा, अगर है तो अच्छी बात है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है 7.5, तो इसमें आपको कटाई छटाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं स्लीव कटिंग पर, स्लीव की कटिंग आपको किस तरह से करनी है। देखिए मेरा फैब्रिक है, मुझे लंबी बाजू चाहिए, तो इसके लिए मैंने ज़्यादा कपड़ा बचा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से मुझे फोल्ड करना है। और यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ बता देती हूँ, देखिए फ्रेंड्स ये हमारी जो फ्लावर आप देख रहे हो, आप कभी भी कटिंग करते हो ब्लाउज की किसी भी चीज़ की, तो आपकी फ्लावर होती है, तो आपकी फ्लावर जो है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ ही चढ़नी चाहिए। आप ब्लाउज बनाते हो तो ऊपर की तरफ, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो सारी फ्लावर है ये ऊपर की तरफ चढ़ रही है, इस साइड से भी ऊपर की तरफ चढ़ रही है और इस साइड से भी ऊपर की तरफ चढ़ रही है। इसी तरह से आपको यानी फैब्रिक में कटिंग करनी चाहिए, अगर आपकी फ्लावर वाली है, आपकी डिज़ाइन वाली है, तो डिज़ाइन जिस तरह जा रही है यानी इसको ऑपोजिट नहीं करना, इसको सीधा ही रखना है, तो वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने आपको और एक पीस दे दिया है, तो इस तरह से मैंने रखा, ये 4 फोल्ड हो गया है, आप देख सकते हो ये हमारी 2 फोल्ड है, ठीक है। तो ये 3 और ये 4, यानी आपकी दोनों साइड की बाजू आने वाली है इसमें। तो यहाँ पे इस तरह से हम रखते हैं और फिर इसी तरह से इसको फोल्ड करते हैं। थोड़ी सिल्क वाली होती है जो काफ़ी फिसलती है, तो उसमें आपको काफ़ी जो यानी अच्छे से काम करने की उसमें ज़रूरत है, आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी इसमें, ये सारे काम बहुत आपको संभल के करना चाहिए। तो मेरी जो मुझे लेंथ कितनी चाहिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मेरी बाजू की जो लेंथ है मुझे वो 15 इंच रेडी चाहिए, तो उसमें मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 16.5, ठीक है। तो मुझे 15 इंच लेंथ चाहिए, तो 1 इंच जो मेरा यहाँ पे जो मैं तुरफाई यानी जो मेरा फोल्ड में चला जाएगा नीचे उसमें, और ये 1/2 इंच का मेरा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। तो ये जो बाकी का भाग है एक्स्ट्रा, इसको कटिंग करना होगा। तो इसको कटिंग कर लेती हूँ, पहले मैं स्केल से सीधा कर लेती हूँ। आप कभी भी यानी किसी भी चीज़ की कटिंग कर रहे हो तो आप स्केल का इस्तेमाल किया कीजिए, ताकि आपकी जो यानी कटिंग वो सीधी आए, ना कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, तो इस बात का ख्याल रखिए। तो ये हो गई, तो यहाँ से मैं कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको नाप लेते हैं, देखिए हमारी ब्लाउज को नाप लेते हैं सबसे पहले, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम लोग बैक साइड का भी नापेंगे और फ्रंट साइड का भी। तो यहाँ पे देखते हैं कितना है ये हमारा, इस तरह से राउंड 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 ये 9 इंच का आ रहा है, ठीक है। तो इस साइड कितना का आएगा, पौने 9 इंच।
यहाँ पर इस साइड भी इतना ही आ रहा है फ्रेंड्स, 9.5 इंच आ रहा है, तो हम लोग उतने का ही लेने वाले हैं। तो यहाँ पे किस तरह से आप करेंगे, और मैं इसमें और भी आपको टिप्स बताऊँगी कि और किस तरह से आप कटिंग कर सकते हो, तो देखते रहिए। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइएगा, कंजूसी मत कीजिए। और सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं 2.25 इंच ले रही हूँ, यानी 2.25 ले रही हूँ, और इस साइड से भी मैं उतना ही लूँगी नीचे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ हमारी टोटल कितनी थी, 9.5 इंच थी, तो हम उतने ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने ले लिया है, ये बिल्कुल उतना ही है, तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सीधी यहाँ पे लकीर स्केल से लगा लेती हूँ इस तरह से। और यहाँ पे आपका मार्जिन कितना है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने मार्जिन कितना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी मार्जिन है, वो आपने ब्लाउज में कितना रखा था मार्जिन, तो मैंने तो ब्लाउज में 2 इंच रखा था, तो यहाँ से मैं 2 इंच ले लेती हूँ सबसे पहले। तो 2 इंच ये मैंने ले लिया, तो यहाँ पे मेरे कितने हैं, 6.5 इंच, तो ठीक है, 6.5 इंच। तो यहाँ से मेरी जो इस तरह से शेप बनेगी, इस तरह से आएगी, ये आधी पहाड़ की शेप भी आप इसको बोल सकते हो। इस तरह से आपको शेप देना है अच्छे से, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गई आपकी। अब यहाँ से मोहरी मुझे कितनी लेनी है, देखिए मोहरी जो है वो मेरी 4.5 इंच की है, तो 4.5 इंच, और यहाँ पे मार्जिन का मेरा 2 इंच का आएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो यहाँ से ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाती हूँ मैं इस तरह से, इस तरह से आएगा ये। और फिटिंग पॉइंट को फ्रेंड, फिटिंग पॉइंट से मिलाना है आपको इस तरह से। और देखिए ये हो गया है हमारी जो मार्किंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको फ्रंट साइड का भी बनाना है, तो मैं अभी बना देती हूँ। तो इस तरह से आपको करना है, आपने कितने की शेप दी थी ब्लाउज में, उतने का ही आपको देना, ठीक है। तो अगर आपने 1/2 इंच से कम दिया तो 1/2 इंच से कम दे दीजिएगा फ्रेंड्स। ये मेरी मतलब छोटी साइज़ का ब्लाउज़ है, ज़्यादा नहीं हैवी ब्लाउज़ है, तो इसीलिए मैंने जितना जो फ्रंट में जो मैंने ब्लाउज़ की कटिंग में दिया था, मैंने उतना ही दिया है, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। तो इस तरह से आपने मार्किंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पे मैं आपको और एक टिप्स बता देती हूँ फ्रेंड्स। तो आप देखिए, ये है हमारी बैक साइड की, ठीक है, ये है हमारी ब्लाउज की बैक साइड की आर्म होल है ये वाली, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा जो है हम इसको देख लेते हैं इस तरह से रख के, कि हमारे बराबर में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस तरह से आपको देखना है, अब यहाँ पे हम फैब्रिक को ही रख के देख रहे हैं कि आपकी जो सीधी सिलाई, देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बिल्कुल बराबर से आ रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप इस तरह से भी, अगर आप फ्रेंड्स देखते हो अपनी ब्लाउज की यानी स्लीव्स की कटिंग से पहले, अगर आप फैब्रिक आपने जो रेडी किया हुआ है आपकी ब्लाउज, इसको अगर आप इस तरह से रख के देखते हो, और हमने यहाँ जो रखा, तो ये वाला जो है हमारी बैक साइड की है, तो इसी से हमने नापा है, यही वाली लाइन से, ठीक है। ये वाली जो नीचे वाली है फ्रंट वाली, इससे हमने नहीं नापा है, तो इस वाले से नापा है, तो वो बिल्कुल सही आया है फ्रेंड्स। तो चलिए अभी हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ स्लीव्स की, आपने जैसे मार्किंग किया हुआ है उसी तरह से आपको कटिंग करना है, इसमें कुछ भी आपको अलग नहीं करना है। तो इस तरह से, ये थोड़ी बहुत फिसलती है ये वाली कपड़ा, तो इसीलिए मैं थोड़ा संभल संभल के कर रही हूँ, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो हमारी जो फिटिंग नहीं आती है हमारी, जो आपने काफ़ी प्रॉब्लम फेस किया हुआ होगा कि हमारी जो फिटिंग की जो सिलाई वो सीधी नहीं आती है, ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन हो जाता है जब आप नए होते हो। तो इस तरह से आपको थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा इजीली यानी थोड़ा नाप करके, काफ़ी ना
इसमें आपको मेजरमेंट लेने की ज़रूरत है ताकि आपकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल सही आए, ना कि कुछ गड़बड़ी हो जाए। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, माना कि मुझसे होता है, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी ब्लाउज की जो कटिंग मैं काफ़ी सावधानी बरतती हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने ये ब्लाउज की जो कटिंग की हुई है और ये बिल्कुल हमारी सही आ रही है। हमने नाप भी ले लिया है, हमने इस तरह से नापा था तो ये बिल्कुल सही थी। तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल जो गलत नहीं होने वाली है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल आ रही है हमारी सीधी, तो हमारी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, फिटिंग बिल्कुल सीधी आएगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होने वाली। तो आज मैंने आपको फिटिंग से, ब्लाउज की फिटिंग से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और जानकारी वाली चीज़ें दी है। आई होप कि आपके ये जो आप यूज़ करोगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो मैं आशा करती हूँ ये। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और बहुत सारा थैंक यू आप सबको। आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, और इसकी स्टिचिंग जो है मैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट मैं बता दूंगी कि किस तरह से आपको ब्लाउज की जो आपको किस तरह से लगाना है, स्लीव्स आपको अटैच किस तरह से करना है और आपको फिटिंग किस तरह से करना है, उसके बारे में भी आपको मैं आगे जानकारी दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।